हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 4 अप्रैल 2020 और 4 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर राज्य सरकार का नाम बताना है, वो है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पे मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड क्या है? तो ये एक तकनीक है जो कि COVID-19 के रोगियों के लिए आवश्यक है और ये तकनीक क्या करता है, उन्हें सांस लेने में सहायता प्रदान करता है। तो किस राज्य सरकार ने खरीदने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। जैसे कि हाल ही में अब प्रदेश सरकार ने COVID-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, यानी इसको शॉर्ट में MOM कहा जाएगा, खरीदने का निर्णय लिया है। इस उपकरण को विशाखापट्टनम में नौसेना के कर्मियों ने विकसित किया है। शुरुआत में जो है नौसेना ने आंध्र प्रदेश को कुछ मल्टीफील्ड निःशुल्क देने की पेशकश की थी, लेकिन अब इसे पैड के रूप में खरीदने का निर्णय लिया गया है। तो किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अब यहाँ बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद। और इसकी दो कैपिटल है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी दो कैपिटल है। हैदराबाद जो है वो कानूनी कैपिटल है और अमरावती जो है वो वास्तविक कैपिटल है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। उसके बाद और भी इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही फेमस राज नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ से जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश से। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर आंध्र प्रदेश से बन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकवर्थ लुईस पद्धति के किस सूत्रधार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है टोनी लुईस। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं डकवर्थ लुईस, इसमें दो नाम छिपा हुआ है, एक डकवर्थ और एक लुईस। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपने सुना होगा DLS सिस्टम। तो यहाँ पे D का अर्थ होता है डकवर्थ और L का अर्थ होता है लुईस। तो क्रिकेट में क्या होता है कि डकवर्थ लुईस पद्धति के सूत्रधार टोनी लुईस का जो है 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पहले क्या था, जब DLS सिस्टम लागू नहीं था तो अगर बरसात हो जाती थी खेल के दौरान, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को जीत घोषित दिया जाता था, उन्हें विनर करार दिया जाता था। इसमें विकेट की महत्ता नहीं दी जाती थी, लेकिन DLS सिस्टम आने के बाद इसमें विकेट की भी महत्ता दी जाने लगी। तो चूँकि इस दोनों ने, इन्होंने अपने गणितज्ञ साथी फ्रैंक डकवर्थ के साथ मिलकर वर्ष 1997 में डकवर्थ लुईस पद्धति का प्रतिपादन किया था तथा 1999 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसे आधिकारिक स्वीकृति दे दी। यानी ये प्रतिपादन किया गया था 1997 में, लेकिन इसे आधिकारिक स्वीकृति 1999 में मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरों की आय में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो यहाँ पर औसतन 20 रुपए की वृद्धि की गई है। COVID-19 के अंतर्गत जितने भी मनरेगा मजदूर होंगे उनके औसत रुपए जो है 20 रुपए की वृद्धि की गई है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि हाल ही में भारत सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 1 अप्रैल 2020 से संशोधित कर दिया गया है, जिसमें मनरेगा मजदूरों की आय में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर में पैदा हुए स्वास्थ्य आपात के बीच ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो ये आर्थिक विकास दर 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? ADB के द्वारा, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए, जैसे कि ADB का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। ADB की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 हो। और सबसे पहले तो ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद ADB के सदस्य की संख्या कितनी है फिलहाल अभी वर्तमान में? 67। उसके बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ADB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मात्सुगु असकावा। तो ADB से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर कण तूफानों के अध्ययन के लिए नासा ने किस मिशन की शुरुआत की है? सौर कण तूफान के अध्ययन के लिए नासा ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो इस मिशन का नाम है सनराइज। सनराइज का फुल फॉर्म होता है सन रेशियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सनराइज मिशन की शुरुआत की है। और क्यों की है? क्योंकि इनके द्वारा सौर कण तूफानों का अध्ययन किया जाएगा, इस कारण से जो है इस मिशन की शुरुआत, सनराइज मिशन की शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ESPN की वर्ल्ड फेम 100 लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह मिली है? तो ESPN क्या होता है कि खिलाड़ियों की एक लिस्ट होती है। तो अभी हाल ही में खिलाड़ियों की ESPN लिस्ट वर्ल्ड फेम 100 जारी की गई है, और इसमें प्रथम स्थान मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और इससे जुड़े हुए भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना आवश्यक है। इस लिस्ट में 10 भारतीयों को जगह मिली है। और इस 10 भारतीय में विराट कोहली 7वें नंबर पर है। MS धोनी जो है इन 10 से बाहर हो चुके हैं, वे 13वें नंबर पर हैं। और भी इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि आपने अभी सुना कि वर्ल्ड फेम 100 की लिस्ट जारी की गई है। तो ये लिस्ट जो जारी की जाती है किस आधार पर जारी की जाती है? तो इसका आधार होता है गूगल पर सर्च या ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया फॉलोइंग के आधार पर। गूगल पर कौन कितनी बार सर्च हो रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट में परसेंटेज किसका बेहतर है, और सोशल मीडिया पर फॉलोइंग किसके अधिक हैं, इस आधार पर वर्ल्ड फेम रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात फ्रेंड कि ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल को भारत तथा किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है चीन। तो 1 अप्रैल को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंध यानी कि राजनीतिक संबंध की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो चीन के साथ मनाई गई है। भारत तथा चीन ने कोरोना महामारी के कारण अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए निर्धारित सभी इवेंट्स को कैंसिल कर दिया है। जितने इवेंट्स उनके थे 1 अप्रैल को, उन सभी को कैंसिल करके 70वीं वर्षगांठ किन्होंने मनाई है? भारत तथा चीन ने। भारत एशिया का पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति कितने साल तक रहे ताकि उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाए। इसका सही जवाब है 15 साल। इसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार के एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, यानी कि अब प्रदेश में 15 साल से रह रहे नागरिक को डोमिसाइल के हकदार होंगे, यानी कि अगर आप 15 साल तक वहाँ नहीं रहते हैं तो आप वहाँ के निवासी नहीं बन सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि जिन बच्चों ने 7 वर्ष तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है, या तो फिर 10वीं या फिर 12वीं की कक्षा की परीक्षा दी है, वो भी इसके लिए हकदार होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COVID-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है पैथो डिटेक्ट। तो इसका एक खूबी है कि ये जो है पहली स्वदेशी परीक्षण किट है, यानी अपने देश की बनी हुई परीक्षण किट है। और इसकी एक और खासियत है कि मात्र 6 सप्ताह के रिकॉर्ड समय में इसे विकसित कर दिया गया है। इसका क्या नाम है? पैथो डिटेक्ट। तो पुणे स्थित पैथलैब डिस्कवरी के अनुसंधान और विकास टीम ने COVID-19 रोग के लिए पहली बार भारत में निर्मित परीक्षण किट तैयार कर ली है। और इसकी एक खासियत मैंने अभी आपको बताया कि मात्र 6 सप्ताह के रिकॉर्ड समय में इसे विकसित कर दिया गया है, और इसका नाम क्या है? पैथो डिटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के अनुसार ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण तथा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जैसी योजनाओं को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? तो ये 2 तरह की योजनाएं हैं। पहली योजना है ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण और दूसरी योजना है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ये दोनों जो योजना चल रही थी इसे कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? तो 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। अब ये योजना है क्या? तो हाल ही में भारत सरकार ने 2021 तक 1 वर्ष के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 का विस्तार करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ा हिस्सेदार बनाना है। तो ये 1 वर्ष बढ़ाने का एक उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक क्या बनाना है? हिस्सेदार बनाना है। और साथ में इसका सबसे बड़ा उद्देश्य 2020 तक $900 बिलियन की विदेशी बिक्री करना है। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य है क्या करने का? तो 1 साल बढ़ाने का। इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हासिल किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने कम कीमत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु तैयार किया है? तो ये पोर्टेबल वेंटिलेटर का नाम क्या है? प्राणवायु। तो इसे तैयार किया है IIT रुड़की ने। और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको जानना आवश्यक है। IIT रुड़की जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। और ये जो पोर्टेबल वेंटिलेटर है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत कम कीमत है, मात्र महज 25,000 रुपये, बहुत कम कीमत है। और इसकी एक और खूबी है कि इस वेंटिलेटर को आसानी से ICU में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, ICU में बदला जा सकता है। और इसका नाम क्या है? प्राण वायु। अब यहाँ पर एक शब्द है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है? तो मशीन जो मरीजों की सांस लेने में मदद करता है, उन्हें जीवित रखने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेंटिलेटर कहते हैं। और अभी अभी जो है IIT कानपुर ने भी पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाने की घोषणा की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी
एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को रोजाना कितना नुकसान होने का अनुमान है, यानी कि कोविड-19 कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन कितना नुकसान होने का अनुमान है। ये जो है रेटिंग एजेंसी एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया है, तो ये है 4.64 अरब डॉलर। और ये जो रेटिंग एजेंसी है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये रेटिंग एजेंसी जो है इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं शंकर चक्रवर्ती। इसके सीईओ कौन है? शंकर चक्रवर्ती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने आपातकालीन वित्तीय सहायता देने के लिए मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने आपातकालीन वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है? तो ये राशि है 1 अरब डॉलर, यानी 1 अरब डॉलर की। कुल 1.9 अरब डॉलर जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसमें भारत का हिस्सा होता है 1 अरब डॉलर, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने प्रस्तावित रकम की वो भारत को देने का निर्णय किया है। इसके बाद यहाँ पे एक आया क्या, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944, यानी 1944। और वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और ये 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। उसके बाद आज का ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। और आज का प्रश्न है, ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखेंगे, और इस प्रश्न का जवाब भी आप हमें कमेंट में ही देंगे। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।